हेलो एवरीवन, रीना दिस साइड फ्रॉम ऑस्कैंस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। आज फिर हम एक और सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं। दिस इज द वीजा, ये है कनाडा टूरिस्ट वीजा एंड हियर इज द क्लाइंट। ये हमारे क्लाइंट है जिनका वीजा अभी अप्रूव हुआ है विद इन 31 डेज। 31 दिन में वीजा लेके आए हैं हम। बाकी की जर्नी सर खुद शेयर करेंगे। बताइए ट्विंकल जी, कैसी जर्नी रही हमारे साथ? बहुत बढ़िया मैम। पहले तो मेरा प्रोफाइल थी जो बहुत ज़्यादा वीक थी, फिर फंड्स वगैरह का थोड़ा इशू था, फिर मैंने विजिट किया तो मैम से बात हुई तो मैम ने बोला कि आप अप्लाई कीजिए, बाकी करवाते हैं। तो जैसे मैंने अप्लाई किया उसके 31 डेज में ही मेरा वीज़ा आ गया। ट्रस्ट जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले तो मेरे को यही था कि जैसे मेरी प्रोफाइल वीक थी तो मेरे को लगा कि शायद नहीं आ पाएगा, बट जब इनका मेरे पास कॉल आया तो एक बार तो मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ कि मेरा वीज़ा आ गया। यही डर सबके माइंड में है, तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डर है क्लाइंट्स के माइंड में कि वीज़ा नहीं आएगा हमारा, हर जगह रिफ्यूजल चल रहे हैं, एक बार आप ऑस्कैंस विजिट करोगे आपका ये ट्रस्ट मेंटेन करे रखेंगे हम। और ये जो ट्रस्ट स्टोरी है हम हर बार दिखाते हैं और हर बार क्लाइंट आपके सामने ये चीज़ कह के जाते हैं जी कि हमारा ट्रस्ट इन्होंने बनाया ही है और बरकरार रखेंगे आगे। तो रेफरेंस केसेस आते हैं हमारे पास। आप हैं कहाँ से सर? अंबाला से। अंबाला से हैं, तो अंबाला वालों को कुछ कहना चाहते हैं आप? अंबाला वालों को यही कहना चाहूँगा कि आप अनदर की जगह यहाँ से लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे क्या है कि ट्रस्टेड है, यहाँ पे आपका वीज़ा आना ही आना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो मैम सॉल्व करवा देते हैं, ऐसा कोई इशू आता नहीं है। तो आप जिनकी प्रोफाइल वीक भी है तो एक बार कहूँगा कि एक बार विजिट कीजिए, वो आपका वीज़ा ला के देंगे। बस आपने ट्रस्ट करना है इनकी बातों पर, एक बार विजिट कीजिए स्कैन सर, आपको खुद ट्रस्ट होगा ये वीजा आपका हो सकता है कल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।